देखिए, एक बार अगर आप गलती करते हैं ना तो उसे गलती कहा जाता है, लेकिन अगर बार बार उस गलतियों का रिपीटेशन होने लगे ना तो उसे आदत कहते हैं। और शायद हमें लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आके टीम इंडिया को हारने की आदत सी पड़ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित शाह और मैं सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन से तमाम स्पोर्ट्स तक के दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर इस टेस्ट मैच का विवरण देने के लिए काफ़ी दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय टीम जो है वो यहाँ पर एक जीत का सपना लेके आई है, सीरीज जीत का सपना लेके आई है। हमें लग रहा था कि टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जिस तरीके से पहले दिन खराब प्रदर्शन हुआ, दूसरे दिन उससे खराब हुआ और तीसरे दिन तो टीम इंडिया ने हद ही पार कर दी। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाजों को रन्स करने दिए हैं, मुझे लग रहा है कि भारतीय गेंदबाज यहाँ संपूर्ण रूप से जो है वो फेल साबित हुए हैं। एकमात्र गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो अनुभवी है, उसको किसी का सपोर्ट दूसरे एंड से नहीं मिल रहा। पहले पारी में तो मिला था, हम कहेंगे कि मोहम्मद सिराज ने विकेट निकाले थे, लेकिन अगर आप एक बतौर ऑलराउंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर को अगर टीम में रखते हैं तो आप शार्दुल ठाकुर के आंकड़े की ओर एक बार जरा नजर फेरिए। 5.3 की रनों की औसत से शार्दुल ठाकुर ने जो है वो दिए हैं रन्स, और ये ऐसी आंकड़ेबाजी आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेगी। हम उन्हें कहते हैं कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन आप मुझे बताइए कि शार्दुल ठाकुर के बल्ले से एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हमने जीती थी 2021 में और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा फाइनल, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर के बल्ले से टेस्ट में आपने कोई रन देखे हैं? अगर इतनी गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन शार्दुल ठाकुर का रहा तो किस हिसाब से आप उसको बतौर ऑलराउंडर टेस्ट में मानेंगे? देखिए, हार के कारण तो कहीं अगर मैं गिनाने बैठूँ ना तो ये एक घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मुख्य कारण बताता हूँ हार के, जो कप्तान रोहित शर्मा ने बताया है। अनुभवी बल्लेबाजों के साथ यंगस्टर्स यहाँ पर इस दौरे पर आए थे, 3 यंगस्टर्स हम कहेंगे जो अफ्रीका में पहली बार खेल रहे हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर यंगस्टर तो नहीं है, वो खेल चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में हम कहेंगे कि उतना अनुभव उन्हें नहीं है। जब रोहित शर्मा को पूछा गया कि आपको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले टेस्ट श्रृंखला से शुरू होने से पहले, तो कहीं नहीं ये लग रहा है कि खिलाड़ी जो है वो उन्हें अभ्यास मिलना चाहिए था। साफ तौर पर यहाँ रोहित शर्मा ने कहा, आपकी खुद की प्रिपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर आपको चयनकर्ता टीम में चुनते हैं तो आप पर भरोसा होता है, अगर आप भरोसे का आपको फ़ायदा उठाते हुए उस पर खरा उतरना होता है, आपको यहाँ पर एक अच्छी इनिंग खेलनी होती है। लेकिन दोनों ही पारी में आप देखें, मेरे हिसाब से पहली पारी में तो केएल राहुल के शतक ने टीम इंडिया को बचा लिया और दूसरी पारी में विराट के 30वें अर्धशतक ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो है वो सम्मानजनक स्कोर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो स्कोर आपको फिलहाल दिख रहा है उस तक पहुंचाने में मदद की। बाकी खिलाड़ी तो आया राम गया राम रहे, कितने कैचेस इनके छूटे, तो हमें ये लग रहा है कि क्या ये खिलाड़ी वाकई टेस्ट क्रिकेट के लिए सीरियस हैं। याद आती है यहाँ पर एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की। चेतेश्वर पुजारा तो फिलहाल मुंबई में टाइम शील्ड का मुकाबला खेल रहे हैं इंडियन ऑयल की तरफ से, वो भी बी डिवीजन का। यानी कि आप देखिए कि इन दो सीनियर खिलाड़ियों को की जगह जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है वो खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। महज 3 दिन में टीम इंडिया जो है सेंचुरियन टेस्ट हारी है और 28 दिसंबर का ये जो तारीख है ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि 28 दिसंबर 1996 में ठीक इसी दिन 1996 में भारतीय टीम किंग्स मीट डरबन में भी टेस्ट मैच हारी थी और वो भी महज 3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था। तो भारत यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद से आया था, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये टीम सीरियस है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे कि उनके चेहरे पर जो है वो उतनी शिकन नहीं है, लेकिन जब वो मैदान में मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को जो उन्होंने कहा होगा उससे कई ज़्यादा बातें वो ड्रेसिंग रूम और आने वाले दिनों में कहेंगे। यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज तमाम विफल शिक्षा क्षेत्र में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और अब तो केवल टीम इंडिया को जो है वो केप टाउन में जाकर के अपनी इस हार का बदला लेना है। यानी कि 1-1 से श्रृंखला अगर जीतनी है तो वो प्रदर्शन याद करना पड़ेगा जो एडिलेड में टीम इंडिया 36 ऑल आउट के बाद उन्होंने MCG में प्रदर्शन किया था, तो ही कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए आने वाले दिनों में हम कहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। नहीं तो
इस सीरीज में आपके पास गेन करने लायक कुछ नहीं। तो बस फिलहाल मैंने आपको कहा कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतनी ही कमियां जो है वो फिलहाल है, बाकी तो आप सभी को पता है। तो आप स्पोर्ट्स तक पर बने रहें ऐसे ताज़ा विवरण के लिए। आने वाले दिन में अगर टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी तो उसके भी विजुअल्स आपको हम पहुंचाएंगे, जो भी ताज़ा तरीन जानकारी दक्षिण अफ्रीका से होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन की आप घंटी भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हम नए वीडियो करें वो आप तक पहुँचे। तो फिलहाल आपके दोस्त अमित शाह को सेंचुरियन से इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।